हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल चेन्नई लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑनलाइन काउंटर। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में। व्हाट इज द कंपाउंडिंग? मैं कंपाउंडिंग एक जो थ्योरम है या फिर इसको सिद्धांत कह सकते हैं जो भी, तो ये मुझे सबसे दुनिया में पाई जाने वाली लोग जो कहते हैं आठवें अजूबा, जो आठ अजूबा लगती है। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक टाइम क्या, एक समय की बात है, एक राजा था, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था, पैसे वाला था, घमंडी था, हर किसी को मतलब जनता को कुछ समझता ही नहीं था। इस बात से जनता भी परेशान थी कि वो अपने आप को मतलब दूसरे राज्य के लोग भी अपने आप को छोटे मानते थे, ऐसा लग उनको ऐसा लगता था। तो भगवान ने उसको घमंड को तोड़ने के लिए सोचा। तो भगवान ने सोचा कि इसको ऐसा किया जाए ताकि उसका घमंड जो कम किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, एक साधु का वेश धारण किया और गए उसके राज्य में, गए जहाँ पर उसका बड़ा सा महल था, जाके उससे मांगी कि हमें भिक्षा चाहिए। तो उधर राजा अपने जोश में था कि जो भी आदेश बोलो भिक्षु, आपको क्या चाहिए। उसने कहा, उसने कह दिया जो इसको इच्छा है उसको पूरा दे दिया जाए। तो भिक्षु ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप जो शतरंज का बोर्ड होता है, शतरंज का गेम आपने कभी देखा होगा, तो उसमें अगर पहले खाने में एक दाना चावल का एक दाना, दूसरे खाने में चावल के दो दाने और तीसरे खाने में चावल के चार दाने, मतलब दो से डबल चार, और चौथे खाने में चार से डबल आठ, ऐसे करके आप मेरे को दे दीजिए, ठीक है। तो राजा ने सोचा ये किस टाइप की इच्छा है। फिर उसने सोचा नहीं कि होगा कितना, जो भी होगा दे देंगे। उसको इतना घमंड था कि उसको पता ही नहीं था कि यह होने वाला, उसने सोचा ही नहीं कि ये कितना मांग रहा है, और उसने हाँ बोल दिया कि इसकी इच्छा पूरी कर दी जाए। अब जब ऑर्डर दे दिया तो सैनिकों ने इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले शुरू हो गए सैनिक, तो क्या किया जाए, बोर्ड लेके आया गया। एक बोर्ड के अंदर एक पहले में एक दाना, दूसरे में दो दाने, तीसरे में चार, जैसे रख के उसके बनने शुरू कर दिए। 40-50 तक आते आते, मतलब 30-40 तक खाने में आते आते उसके राज्य में कम पड़ने लग गया। मतलब कि उस राज्य के अंदर जो अनाज है, सारा का सारा अनाज उसके अंदर रख दिया, फिर भी उसमें कम पड़ने लग गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कम कैसे पड़ सकता है, तो अपन एक कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्टिंग में दो एक दाना रखा, दूसरे में दो रखे, तीसरे में चार रखे, ऐसे करता है, मतलब दो का एक बन गया, दो इंटू दो ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो के घात 16, मतलब 16 खाने तक रखेंगे तो कितने अनाज आएंगे। तो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है 65,536 दाने, मतलब 16 खाने तक पहुंचेंगे अपन, 16 खाने के तक, तो 65,536 दाने उस बोर्ड के अंदर आए। तो आप सोचा ये जो ज्यादा है। अब गूगल के अंदर मैं सर्च करके देखेंगे एक किलो अनाज के अंदर कितने दाने आते हैं, तो वहां पर लगता 50,000 दाने आते हैं एक किलो अनाज के अंदर। तब 16 खाने तक पाया, मतलब एक किलो ही बन पाया है। अब देखो जब वापस अगले दो की घात 30 तक, मतलब और 30 खाने वो बढ़ जाते हैं, 16 पहले बढ़ लिए, 30 और बढ़ दिए, तो 30 और 40, मतलब 46 के आसपास पहुंचते हैं। तब तक कितने बनते हैं आपको पता है, एग्जैक्ट जो मैंने लिखा हुआ है 53,68,709, ये बैग है, मतलब क्विंटल की बात कर रहा हूँ, किलो में होगा तो पीछे साइड में 12 हो जाएगा, मतलब 53,68,70,912 किलो। सो अपन ने क्विंटल में कन्वर्ट कर लिया है, बैग के अंदर जो एक बैग आता है गेहूं का, अनाज का 100 किलो के आसपास, तो लगभग 53 लाख से भी ज्यादा बैग, 53,68,000 से भी ज्यादा बैग अभी तक आ चुके थे, जब तक अभी तक हमने 46 बॉक्स में ही अनाज डाल पाए हैं। 53 लाख बैग में समझ रहे, मतलब पूरा राज्य का सारा अनाज आ चुका है। 53 लाख बोरा कैसे कहते हैं, 53 लाख बैग्स। अब अभी तक तो खूब सारा बाकी है, तो इतना अनाज उसके पूरे राज्य में नहीं था, वो कहां से देगा। तब सैनिकों ने कहा सर हमारे पास उसका अनाज खत्म हो गया है। राजा भी अजीब अचंभा में हो गया, ऐसा कैसा हो गया, इसने थोड़ा सा मांगा था। जब उसने कैलकुलेट किया तो पता चला कि ये कितना होता है एक्चुअल में, तो इसमें क्या लग रहा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट लग रहा है। तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का मेन मकसद ये था कि कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझाना। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक दाने से जो स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग में, वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 53 लाख बैग बन चुके हैं, जो कि हर किसी को पॉसिबल है ही नहीं जो भरना है उसको,
मतलब इसको देना पॉसिबल नहीं। इसके बाद में राजा ने उस राजू से माफी मांगी, बोला कि मैंने जो गलती कर दी मुझे माफ कर दी, हमारे पास इतना अनाज नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। इस प्रकार उसका घमंड चूर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये सबसे ज्यादा क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत एक मैं कहना आठों का दुनिया का आठों अजूबा है। तो आप ये कह सकते हैं आठों अजूबा है, आपने प्रूव भी कर दिया। अब बात आते हैं अपने रियल लाइफ पर, कौन कौन लोग इसे यूज करते हैं एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि अभी जियो इंडस्ट्री ने सबके पहले अपना जियो का प्लान बेचा फ्री में, उसमें पैसे भी लगे, फिर धीमे धीमे 200 रुपए रिचार्ज करके आप पता उसने कितने पैसे कमाए, कोई आइडिया नहीं है आपको। ऐसा कैसे शेयर मार्केट हो गया, बैंक हो गया, मार्केटिंग कंपनियां हो गई, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, क्रिप्टो करेंसी जो भी बहुत ज्यादा ही चल रहा है वो हो गया, इन सब में कंपाउंडिंग का यूज आता है। तो अपन जैसे कि जियो इंडस्ट्री मतलब मुकेश अंबानी बहुत बड़े आदमी है, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं, नहीं हमको शेयर मार्केट इतना पैसा है कि हम शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, और 1000-2000 लगा भी लेंगे तो इतना लॉन्ग टर्म लगे टाइम लगे, हमारे पास टाइम की कमी है। तो हम इस जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट का अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अपने लाइफ में उसको कैसे यूज करते हैं। तो जनरली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो बहुत ही आसानी से हम यूज कर सकते हैं, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, इसके बाद हल्का सा थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जो मार्केटिंग होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसे कहते हैं, मतलब जो पुराने जमाने से चली आ रही है, क्या होता है उसको क्या कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, जिसके अंदर एक मान लो 20 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको फिर एडवर्टाइज किया जाएगा, नेशनल एजेंट के पास जाएगा और स्टेट लेवल के एजेंट के पास जाएगा, और फिर होलसेलर पर जाएगा, उसके बाद दुकानदार के पास आएगा, उसके बाद कस्टमर पर आएगा। मतलब 20 रुपए की चीज वो 100 रुपए में बिकेगी, लगभग 100 रुपए में। तो इसके बीच का जो इस बीच में है जो लगभग 60-70% जो वैल्यू मतलब अमाउंट है वो किसको जाना चाहिए, इन सबको जो जाता है वो जाता है। अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग में इसने क्या किया, जो ये जो अमाउंट जो जा रहा है उसको एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, ये सारा अमाउंट एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को इतना सारा अमाउंट दिया जाता है, एक आदमी को इतना सारा अमाउंट कैसे देंगे, पर डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे दिया जाएगा, हर एक कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर एक डिस्ट्रीब्यूटर तो रखने से रहे, उसमें भी क्या चाहिए ज्यादा मेहमान चाहिए, इतना सारा काम एक जाना नहीं कर सकता। तो कंपनियां क्या करती है, अपने अगर प्लान बनाती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं एक अपनी एक टीम बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्या कर सकते हैं टीम बना सकते हैं, तो टीम के थ्रू भी वर्क करते हैं और उस वर्क को जो भी इनका जो प्रॉफिट होता है जो भी 60-70% उसको इनके अंदर डिवाइड हो जाता है। अब टीम वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क कैसे इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मजदूर मान लिया और एक हमने कॉन्ट्रेक्टर मान लिया, ठीक है। मजदूर एक दिन में कितना रुपया कमाता है, 300 रुपये कमाता है। अब वो दिन भर काम करके 300 रुपये कमाएगा, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्टर वो क्या करता है, टीम वर्क करता है, वो 8-9 जनों को लेके आया, सब अलग अलग फील्ड के, और सबसे वो काम दिया, सभी लोग से 100-100 रुपये भी अगर कमाता है तो उसके एक दिन के 900 रुपये हो गए, वो भी बिना काम किए। काम किया उसने, लेकिन उसने स्मार्ट वर्क किया, साथ में टीम वर्क किया। तो इससे पता चल गया टीम वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो टीम वर्क से ही अपना काम चलने वाला है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है, जिसको कहते हैं नेटवर्क। तो जो एक तरह से नेटवर्क बन गया, मतलब जैसे कि इस मामले में कॉन्ट्रेक्टर ऊपर हो गया, उसके बाद उसके नीचे उसके मजदूर हो गए। तो ऐसे कैसे एमएलएम और मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी यही होता है कि अलग अलग लेवल पे खूब सारे बंदे ज्वाइन किए जाते हैं और उनको वो प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस हिसाब से वो सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में उनको ज्यादा बिजनेस नहीं मिलने वाला, एक्चुअली सही बात है सबके लिए, लेकिन धीमे धीमे समय के साथ वो एक टाइम ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, मतलब उसको पैसे की कभी टेंशन नहीं आनी, टेंशन नहीं होने वाली है, जितना चाहो उतना खर्च कर सकते हैं, बहुत सारा अमाउंट पैसे कमाए जा सकते हैं, उनको ब्लेसिंग मिलने वाली है। जो भी अपने वंडर में जो ज्वाइन करेगा अगर वो सक्सेसफुल होता है तो अपने लिए क्या कहते ब्लेसिंग देगा कि भाई आपने मेरे को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया है, साथ साथ उसका बिजनेस का मतलब दैनिक दिनचर्या के लिए भी वो पैसे कमा सकता है, और अपन हम उससे आसानी से पूरे अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, उसमें हम पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं और फैमिली के लिए टाइम भी दे सकते हैं, और एक फैमिली टाइप का बिजनेस है, मतलब उसके अंदर जब क्या कहते हैं टीम वर्क बनता है तो एक फैमिली बन जाती है, मतलब फैमिली क्रिएटर बिजनेस भी उसको कहते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है और सिक्योर भी बहुत है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, अपन जो सारा पॉइंट मैंने बताए हैं अभी इसको वन बाई वन एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में क्या क्या मतलब स्टार्टिंग करना कितना आसान रहता है हमारे लिए,
तो सबसे पहले वो बहुत ही कम बजट में लगभग नो कॉस्ट में ये बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। हर एक कंपनी का अलग अलग सिस्टम है, किसी का 1000 का, किसी 2000, किसी का 5000, किसी का 10000, पर जनरली 5000 के आसपास ही रहता है मेरे आईडिया से। कोई भी कंपनी देख लो 5000 से कम ही रहता है उनका स्टार्टिंग करने का ये बिजनेस का सिस्टम, और उसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट लगने वाली नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं लगने वाली जहां तक मैं जानता हूँ, बड़ी कंपनियों को भी तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, और नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। और साथ साथ में हमको ये फायदा है कि हमको किसी टाइप का कोई भी प्रोडक्ट का मैनेजमेंट नहीं करना था, मतलब इन्वेंटरी का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का इन्वेंटरी का जो मैनेजमेंट करने का काम है वो कंपनी देखती है, तो आप उससे फ्री हो सकते हैं। आपका काम सिर्फ एक रहेगा, एक काम रहता है खाली प्रमोट करना, और प्रमोट करते जाइए अपना अपना जो हिस्सा है और अपने लेते जाइए। अगला पॉइंट करते हैं, यू अर्न पैसिव इनकम, आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं और टाइम से फ्री हो सकते हैं और एंड ग्राफ। इन तीन पॉइंट्स के बारे में हम अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे, सबके पास में हर एक का एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज का मैं ख्याल से यही समाप्त करते हैं, इन टॉपिक पर अगले टाइम में बात करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप अगला कौन सा वीडियो चाहते हैं इन तीनों ऑप्शन में, पैसिव इनकम, टाइम लिवरेज और एंड ग्राफ में से कौन सा वीडियो आप पहला चाहते हैं, तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बताइए आपको मेरा जो वीडियो है कैसा लगा, तो आप लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।